हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चोक कॉइल के बारे में कि चोक कॉइल होता क्या है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसका नेचर क्या होता है, उसी बारे में हम यहाँ पे आज बात करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं चोक कॉइल। तो चोक कॉइल होता क्या है, यदि ये इंडक्टिव कॉइल, ठीक है, देखिए क्या भाई इंडक्टर, ठीक है ना, वो इंडक्टर ही होता है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही छोटा होता है और उसका इंडक्टेंस क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसका वह क्या होता है, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है किसी भी एसी सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है ना, उस करंट में क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। और कंट्रोल करने के अलावा भी क्या करता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा हुआ है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट भी करता है कि वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी दो वर्किंग है। इसको हम कनेक्शन से कैसे देते हैं, सीरीज में देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका वर्किंग। सपोज हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, मान लीजिए कि ये क्या है, हमारा ट्यूब है, मतलब कोई ट्यूबलाइट या बल्ब है, ठीक है, उसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ 100 वोल्ट एंड 10 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना, इस तरीके से। तो इसका कहने का मतलब है कि इस रजिस्टर के क्रॉस, इस रजिस्टर के क्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सकता है, 100 वोल्ट हो सकता है। और 100 वोल्ट से ज्यादा अगर क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो क्या हो जाएगा, ये जो बल्ब है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर हम इस तरीके से कनेक्शन देंगे तो यहाँ जो ईएमएफ है वो कितना जाएगा, जो हम लोग ये क्या है ई, ये तो हमारा पीक वोल्टेज है, मतलब पीक ईएमएफ है। हमको यहाँ से जो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, आरएमएस वैल्यू यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू कितना जाएगा, 200 वोल्ट जाएगा। तो जो 200 वोल्ट है, मतलब इस वाले रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 200 वोल्ट। तो 200 वोल्ट आ जाएगा, लेकिन वो कितना बियर कर सकता है, 100 वोल्ट। तो 200 वोल्ट आने के बाद क्या हो जाएगा, ये चीज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है। तो हमको इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या लगा दिया है, यही हमने एक डिवाइस लगा दिया था, इसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, चोक कॉइल बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, चोक कॉइल। अब क्या हो गया, ये बच गया, नहीं तो अगर हम डायरेक्ट इस तरीके से लगा देते क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता। अभी हमने इस चोक कॉइल को लगा दिया, उस चोक कॉइल का क्या है, जो हमारा ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कितना है, XL, ठीक है, XL। और ये क्या क्या हुई, इसको हमने सेव कर, मतलब कि प्रोटेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम भाई देखते हैं इसका मतलब वर्किंग क्या होता है, और मतलब इसको जनरल फॉर्म में हम समझते हैं इसको। सपोज हमने एक तरीके से एक चोक कॉइल लगा लिया है यहाँ पे, और हमने कोई जनरल रजिस्टर ले लिया है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे जो E होगा वो E नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और ये आर इस तरीके से, और ये क्या हो गया हमारा, एक्सएल हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, एक्सएल। अब हमको इसके क्रॉस जो पोटेंशियल, हमको यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो कौन सा करंट फ्लो करता है, हम लोग क्या जानते हैं भाई, करंट कौन सा वाला फ्लो करता है, आरएमएस करंट, ठीक है ना। तो इस आरएमएस की जो वैल्यू होगी, आरएमएस की जो वैल्यू होगी वो कितनी जाएगी, ई आरएमएस अपॉन जेड। तो जेड की वैल्यू कितनी जाएगी, ई आरएमएस अपॉन एक्सएल प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या है, ये जेड वाला क्या है, टोटल इंपीडेंस है, ये क्या है हमारा, टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है, जो सर्किट है ये उसका क्या है, टोटल इंपीडेंस ही तो है ना। और हम क्या करेंगे, हमको आरएमएस वैल्यू पता लग गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर हमने मान लिया क्या था भाई, V। तो हम क्या करेंगे भाई, पोटेंशियल डिफरेंस Across the register, VR, उस VR की वैल्यू कितनी जाएगी, IRMS into R, ठीक है, IRMS into R। तो जो VR की जो वैल्यू जाएगी, IRMS हमको पता चल गया वो कितना है, ERMS upon under root XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर into ये हमारा हो गया। अब ये देखिए ना कि पोटेंशियल, अब ये हमने जो आई आर एम एस जो है, आई आर एम एस क्या हुआ, अभी घट गया ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टोटल इंपीडेंस क्या हो गया हमारा, टोटल इंपीडेंस क्या हो गया भाई, बढ़ गया ना,
इस इंडक्टर को लगाने की वजह से, इंडक्टर मतलब कि इस जो क्वाइल के लगाने की वजह से जो टोटल इंपीडेंस था उस सर्किट का वो क्या हो गया, बढ़ गया। उसके बढ़ने की वजह से इस बार एक क्वांटिटी बढ़ने की वजह से टोटल क्वांटिटी क्या हो गई, घट गई ना। जब एक क्वांटिटी जब घट गई तो पोटेंशियल, ये वाली क्वांटिटी घट गई, अगर ये घट गया तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा ना। जब वो घट गया तो क्या हो जाएगा, वो जो रजिस्टर है वो क्या हो जाएगा, वही सेफ मतलब वो बच जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर हो गया, ठीक है। अब अगर हम ये बोले कि पावर, ठीक है, पावर डिलीवर्ड बाय रजिस्टर, पावर डिलीवर्ड बाय रजिस्टर वो कितना रहेगा हमारा, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। अब हीट लॉस कितना हो जाएगा, हीट लॉस थ्रू रजिस्टर, हीट लॉस थ्रू रजिस्टर तो पी इंटू टी हो जाएगा। कितने टाइम में हम हीट लॉस की बातें कर रहे हैं, ठीक है, पावर इंटू टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, तो ये क्वांटिटी क्या जाएगा, हीट लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं तो उससे चीजें और भी क्लियर हो जाएगा कि ये वर्क कैसे चल रहा है, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं, हम इसी वाले न्यूमेरिकल को ले लेते हैं, इसी वाले पूरा डेटा हमारा यही रहेगा, ठीक है, हमको पूरा यही डेटा रहेगा। तो बस हमको इसमें ये बताना है कि इस एक्सेल की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ये जो बल्ब है वो डिस्ट्रॉय ना हो, मतलब वो बल्ब क्या होना चाहिए, फ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आइए इसी देखते हैं, इसी एक क्वेश्चन है, इसमें फाइंड करना है, फाइंड एक्सेल एंड एल, एल बोले तो उसका इंडक्टेंस कितना है और एक्सेल बोले तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है, ये दोनों बताना है, फॉर विच रजिस्टर बिकम से, मतलब कि वो रजिस्टर डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो बता देना चाहिए, ठीक है। चलिए ये देखते हैं, अब हमको यहाँ पे ये दिया हुआ, हमको ये क्या भाई पीक ईएमएफ दिया हुआ, तो हमको आरएमएस निकाल सकते हैं ना, तो यहाँ से आरएमएस निकाल जाएगा हमारा, आरएमएस पशु ई नॉट अपॉन रूट टू होता है, वो ई नॉट कितना दिया हुआ हमको 200 रूट टू अपॉन रूट टू, तो ये रूट टू ने रूट टू को मार दिया, वो कितना आएगा हमारा 200 वोल्ट हो गया, ठीक है, 200 वोल्ट हो गया, चलिए ठीक है। अब हमको यहाँ से क्या दिया हुआ है कि जो ये स्पेसिफिकेशन है हमको ये क्या बता रहा है, हमको ये बता रहा है कि इसके क्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सकता है 100 वोल्ट, ठीक है ना। तो अगर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सकता है 100 वोल्ट, तो हम देख सकते हैं ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लिख सकते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर वो कितना जाएगा, वी आर, वी आर की वैल्यू कितनी जाएगी, आई आर एम एस, ठीक है, वी आर, आई आर एम एस इंटू आर, हाँ कि ना, आई आर एम एस इंटू आर। अब हमको ये देखिए ना, वी आर मैक्सिमम हमको दिया हुआ है ना, वो कितना है 100, और आई आर एम एस हम निकाल सकते हैं ना, ई आर एम एस अपॉन जेड, जेड इक्वल टू क्या थी, एक्सएल, ये हमारा क्या जेड का एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का रूट, तो ये कितना लगेगा यहाँ से, एक्सएल का स्क्वायर आर का स्क्वायर इंटू आर, ये बात समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि आई आर एम एस, अरे ई आर एम एस हमको पता लग गया ना, वहां से कितना है 200 है, ये फिर कर लेते हैं, तो ये कितना जाएगा, ये 100 और ई आर एम एस कितना है 200 और ये कितना जाएगा एक्सएल का स्क्वायर आर का स्क्वायर इंटू आर, तो ये 20 ने 20 कैंसिल आउट कर दिया, हमको यहाँ से कितना पता चलेगा एक्सएल का स्क्वायर आर का स्क्वायर इक्वल टू 4 आर का स्क्वायर आ जाएगा ना, जी हमने उसको उधर लिख दिया ना,
तो हमको यहाँ से एक्सएल में स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा हमारा 3R स्क्वायर। तो एक्सएल में हमको पता चला रूट थ्री इंटू आर। अब हमको रूट थ्री की वैल्यू 1.7 पुट करते हैं और आर हमको दिया हुआ 10 ओम। तो जो एक्सएल आया कितना जाएगा हमारा 17 ओम। मतलब कि जो इसका जो रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस इस जो कॉइल कितना होना चाहिए उसको बचाने के लिए 17 ओम। अगर 17 ओम से कम होगा तो क्या हो जाएगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर 17 ओम रहेगा 17 ओम से ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा वो सेफ रहेगा। ठीक है चलिए ठीक है। अब हमको ये फॉर्म में आ गया कि एक्सएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्सएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 17 ओम। और हमको अब क्या चाहिए L चाहिए। हम अब ये वाला पॉइंट निकल गया, अब हमको क्या चाहिए L चाहिए ना। अब उस L को निकालने के क्या करेंगे, हमको पता है कि XL इक्वल टू ओमेगा इनटू L होता है। अब हमको XL पता है कितना है 17 और ओमेगा हमको दिया हुआ है यहां पे ना। ओमेगा ने हमें यहां मान लिया कितना भाई 100 ओमेगा t 100 t का। तो ओमेगा कितना आ जाएगा 100 और इनटू L। तो L की वैल्यू कितनी आएगी 0.17 ठीक है। तो ये था हमारा जो क्वाइल की थोड़े से उसके बारे में। ठीक थैंक यू।